आज हम क्लास 9 विषय संस्कृतम पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम पाठ के हिंदी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। वृतम यतनेन संरक्षेद वीतमेति च याति च अक्षिणो वितत अक्षिणो व्रतस्ततु हतो हत। यह सुभाषित है वह मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, यानी हमें हमेशा है वह अपने चरित्र की है वह यत्न पूर्वक है वह रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और जाता है, धन से क्षीण क्षीण नहीं लेकिन चरित्र से मरा हुआ मर जाता है। यानी हमें हमेशा है वह अपने चरित्र की है वह यत्न पूर्वक है वह रक्षा करनी चाहिए। दूसरा सुभाषित देखेंगे। सूर्यताम श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा सेवावधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यानी यह सुभाषित है वह विदुर नीति से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि सुरिताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा सेवा वधारिताम, यानी कि धर्म का सार सुनो, यानी हमेशा है वह हमें अपने धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर ही धारण करने सुनकर ही उसको धारण भी करना चाहिए, यानी अपने जीवन में उतारना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो अपने प्रतिकूल हो, जो अपने प्रतिकूल हो वैसा है वह आचरण है वह दूसरों के साथ है वह हमें नहीं करना चाहिए। यानी हमें हवा अपने को जो पसंद नहीं आता वैसा आचरण है वह दूसरों के साथ में भी हमें नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यह सुभाषित है वह चाणक्य नीति से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यानी प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं। अगर हम किसी को भी प्रिय वाक्य बोलते हैं तो उसे उसके बोलने से है वह आगे वाले जितने जीव होते हैं वह है वह अपने से पसंद होते हैं। तो तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, तो इसलिए वह प्रिय वाक्य है वह हमें हमेशा बोलना चाहिए और प्रिय वाक्य बोलने में हमें है वह किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यानी हम जितना अच्छा बोल सकते हैं उतना हमें है वह दूसरों के सामने बोलना चाहिए। हमें कभी भी प्रिय वाक्य बोलने में किसी भी प्रकार की है वह कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः प्रोपकाराय सत्तां विभूतयः। यह सुभाषित है वह रत्न भाण्डागारम से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि पीबंती नद्य स्वयं नाम्भ, यानी नदियाँ हैं वह खुद का ही जल नहीं पीती हैं। नदियाँ होती है वह अपने स्वयं का जल कभी नहीं पीती हैं। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, और जो वृक्ष होते हैं वह अपने स्वयं के फल कभी नहीं खाते हैं। नादंती सस्य खलु वारी वहा, और नीचे ही बादल है वह फसल को भी नहीं खाते हैं। यानी बादल से है वह जब बारिश होती है और उस बारिश से है वह फसलें पैदा होती है, लेकिन वही बादल है वह कभी भी उन फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकार है हम सताम विभूत्य, इसलिए सज्जनों की जितनी प्रकार की संपत्तियां होती है वह हमेशा है वह परोपकार के लिए होती है। यानी सज्जन लोग होते हैं वह अपनी जितनी संपत्तियां होती है वह परोपकार के लिए करते हैं, यानी हमेशा वह है वह परोपकार करने में हमें हमेशा है वह आगे रहते हैं।